नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपके लिए काफ़ी ज़रूरी जानकारी लेके आया हूं और वीडियो अलग हटके भी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उसको बड़ा ध्यान से समझने की भी कोशिश करना है। देखिए, आजकल सभी लोग इस बारे में कहते हुए मिल जाएंगे कि आलू की तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आलू की डिमांड नहीं है या आलू की निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक्सपेरियंस ये कहते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी साल है जिस साल जून के महीने में डिमांड ज़्यादा हो या आलू काफ़ी महंगा बिक रहा हो या आलू में बहुत तेज़ी हो, ऐसी कौन सी साल है? आपको इतिहास में कोई साल ऐसी नहीं दिखेगी जिस साल में जून के महीने में बहुत ज़्यादा निकासी हो और बहुत ज़्यादा तेज़ी हो। कारण किसान भाइयों, अगर मैं आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो 2020 एक ऐसी साल थी इतिहास में सबसे महंगा आलू बिका था, 2000 रुपये पैकेट तक बिका था, मतलब इतिहास में सबसे महंगी साल रही वो। अब उस साल आप देख लोगे जून में जाके 700-800 रुपये पैकेट बिका था, लेकिन जो 700-800 पैकेट आज के डेट में देखा जाए तो महंगा है, लेकिन 2020 के अपेक्षा देखा जाए तो 2020 का वो सबसे कम रेट था, 2020 का वो सबसे कम रेट था, जबकि 2020 में आलू भी क्षेत्रफल में कम था या कोल्ड भी कम भरे थे, फिर भी आलू का वो सबसे कम रेट था जून के महीने में। अगर डिमांड ही ज़्यादा आनी थी या तेज़ी ही ज़्यादा आनी थी तो तभी 1000-1200 रुपये हो जाना था उसे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो जून के महीने में ये प्रॉब्लम आती है, डिमांड कम रहती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हालत थोड़ी ख़राब रहती है, सब्जियाँ भी अपने लास्ट स्तर पर होती हैं, तो ये सब चीज़ देखने को मिलती ही मिलती है। तो इससे काफ़ी किसान भाइयों के लिए काफ़ी लोग घबराहट वाली बात कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों को घबराने की कोई भी बात नहीं है। किसान भाई आज भी अपना आलू बेच रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मंडियाँ बता रही हैं कि आलू बिक रहा है, मंडियों में आलू पहुँच रहा है, अच्छा खासा आलू बिक रहा है, ठीक है। तो घबराने वाली बात तो यहाँ पर है ही नहीं है, ये तो एक बात यहाँ ख़त्म होती है। अब किसान भाइयों, एक हमारे सब्सक्राइबर ने आज फिर एक क्वेश्चन किया है हमसे कि गौर साहब, आप तो बता रहे थे पैदावार कम है तो ये कैसे हो गया कि कोल्ड भर गए? तो चलिए इसके बारे में भी हम बता देते हैं। इसके तीन कारण हैं जो पैदावार आपको दिख रही है बढ़ गई या कोल्ड भर गई, ये इसके तीन कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला कारण ये है कि आप आगरा क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर किसानों की जो अभी तौल आ रही है वो आ रही है 50 किलो, 51 किलो, 48 किलो, लेकिन वही तौल 2022 में आ रही थी 55 किलो, 54 किलो, 55 किलो और किसी किसी किसान का 52 किलो, जो आज 48 आ रहा है वो 52 आ रहा था। तो कहने का मतलब 3 से 4 किलो आलू कम था, मतलब इस बार कम आ रहा, पिछली बार ज़्यादा आ रहा था। तो पहला तो एक यही कारण है, 3-3 किलो से आगरा में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, आप देख सकते हो इसके आधार पर कितना आलू कम ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 2-3 कोल्ड को तो वो 2-3 किलो से ही भर देंगे, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है आगरा। अब किसान भाइयों, मैं आपको आगरा छोड़िए, मैं सीधे संभल लेके जाता हूँ जो कि सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि संभल छोटा है और इसके बारे में हर कोई जान जाएगा। देखिए, संभल में पिछले साल 2022 में 60 किलो 62 किलो 65 किलो 70 किलो तक की भर्ती हुई थी किसान भाइयों द्वारा, और जो लोग संभल से हैं वो नीचे कमेंट जरूर बताना इस बात में कितना दम है। और मुझे तो पूरी पता है, मैं तो पूरा गया हूँ संभल में, कई बार गया हूँ, मुझे तो पता है कि संभल में पिछली बार 60-65 किलो की भर्ती आसानी से हर किसान की थी, लेकिन अब 2023 में कितनी भर्ती हुई है संभल की, किसी की 50 किलो 55 किलो 52-56, बस यही भर्ती है, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पे बारदाना छोटा कर दिया, कोल्ड वालों ने अल्टीमेटम दे दिया था किसानों को, इस वजह से वहाँ पे भर्ती नीचे लाई गई है और कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रकार आप ये बताइए, अगर किसी भी किसान की पैदावार 50 की आ रही है, अगर इसमें वो बड़ा बारदाना लगाएगा तो उसकी पैदावार 40 की रह जाएगी, अगर छोटा बारदाना लगाएगा तो उसकी पैदावार 55-60 की भी हो सकती है। तो ये जो पैदावार कम बढ़ती है, पहली बात तो एक ये है, देखिए कोल्ड में पैकेट देखे जाते हैं ना कि वजन कितना रख रहे हो, ये देखा जाता है, कोल्ड में ज़्यादा पैकेट ज़्यादा गिने जाते हैं, गाड़ियों में पैकेट ज़्यादा डाले जाते हैं। आप 300 पैकेट की किसी भी गाड़ी में बड़ा बारदाना या छोटा बारदाना रखोगे तो लमसम वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। देखिए, दूसरे पॉइंट की बात ये है कि आप किसी भी गाँव में देखोगे, हर गाँव में हाईब्रिड आलू पहुँच गया था 2023 में, हर गाँव में हाईब्रिड आलू किसी ना किसी किसान ने जरूर किया है। देखिए, 2022 में जिन किसान भाइयों की पैदावार 37-97 की 45-50 की आ रही थी, लेकिन 2023 में उनकी पैदावार 40-45 की आई है, ठीक है, एक बात तो ये है। और देखिए, सबसे अच्छी बात तो मैं ये मानता हूँ, अगर हमारी बात गलत होती तो किसान भाई हमें कमेंट करते नीचे कि गौर साहब आपने गलत रिपोर्टिंग दिखाई है, हमारे यहाँ तो बम्पर पैदावार आई है, जो आप रिपोर्टिंग करके ले गए थे यहाँ तो बम्पर आई है। ऐसा कोई भी किसान नहीं मिले मुझे जिनकी मैं रिपोर्टिंग करके लाऊँ वहाँ पर उनकी बम्पर आई हो, पैदावार कम है तो कम है, एक तो ये बात रही। अब दूसरी बात इसमें यही है कि हर किसान के पास हाईब्रिड है, और देखिए कुछ कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार हाईब्रिड आलू किया था, उनकी पैदावार आई थी 50 से लेके 55 की, लेकिन वो भी अपनी पैदावार कम बता रहे थे। फिर उनसे मैंने पूछा ये कम क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तो 70-80 का निकलता है हाईब्रिड, लेकिन बाद में ये पता पड़े कि उन्होंने इस बार ही हाईब्रिड किया, पिछले साल तो 37-97 किया था जो कि 45-50 का निकला, लेकिन इस बार उनका 55 का निकला है, लेकिन हाईब्रिड था,
अब हाइब्रिड के हिसाब से तो वो कम बता रहे थे। अगर वैसे वो पिछले साल के अपेक्षा देखें तो उनका 5% आलू कम था। कुछ ऐसे भी किसान हमें मिले, लेकिन ज़्यादातर किसानों की पैदावार कम ही देखी गई थी। एक तो ये बात है। अब दूसरी तीसरी बात इसमें बता दूँ कि क्षेत्रफल के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रफल उन क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ा, जैसे अलीगढ़ क्षेत्र है। अलीगढ़ क्षेत्र में बीज बाद में आकर सस्ता हो गया, किसानों को मजबूर में गाड़ना ही पड़ गया वो बीज। तो भाई इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट की ये बात है कि 1200-1200 रुपये जब आलू पहुंचा था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद आलू का रेट एकदम 200-300 रुपये पैकेट आ गया था सीट वाले आलू का, यानी बीज वाले का। गुल्ला और किर्री की वैल्यू खत्म हो गई थी लास्ट टाइम पे जाके, तो किसानों ने अपना आलू ही कोल्ड मतलब खेतों में गाड़ दिया और क्षेत्रफल बढ़ गया बहुत जगह, या किसी रिश्तेदार को दे दिया या कैसे भी, क्षेत्रफल में भी हल्की सी बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन जहाँ पे आलू होता वहाँ तो आलू ही होता है, लेकिन कुछ किसान हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने आलू कम भी किया था, ठीक है, तो सब तरह के मिले। तो इसका देखिए क्षेत्रफल का आंकलन कोई नहीं लगा पाया। पैदावार कम ज़्यादा का तो हर किसी के पास है, कोई भी व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पैदावार ज़्यादा थी, पैदावार तो कम थी और एवरेज थी, लेकिन क्षेत्रफल में बहुत बड़ा डिफरेंस था और पैकेट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इस बार जो तौल आ रही है, ठीक है, इसका भी आपको देखना चाहिए। और ये तो आप लोगों का देखिए क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको जवाब दे दिया। वैसे मैंने कई बार इसके बारे में बोला पैदावार कम क्यों ज़्यादा क्यों बहुत कुछ बोला, ठीक है। अलीगढ़ के कोल्डों में बुलंदशहर का आलू भरा पड़ा है भाई, कोई लेने वाला नहीं था बुलंदशहर में आलू, चिप्सन आलू को अलीगढ़ में भरा पड़ा है कोल्डों में। अब बताइए अगर बुलंदशहर का आलू नहीं आता 10% अलीगढ़ के कोल्ड खाली रह जाते, ठीक है, इस चीज़ को। किसान भाइयों अब मैं आपके लिए एक जरूरी बात बताऊं कि इस समय जो गुजरात में जो तूफान आया है, इस तूफान की वजह से काफ़ी स्टेटों में बारिश पड़ने की संभावना है। जैसे गुजरात में तो भयंकर बारिश पड़ रही है, कुछ मुंबई में पड़ रही है या और भी जगह पड़ रही है, तो इस बारिश से उस जगह थोड़ी डिमांड आलू की डिमांड बढ़ने के चांस रह सकते हैं, क्योंकि खपत बढ़ेगी, ठंड में खपत बढ़ती है या बरसात में तो और ही ज़्यादा आलू चलता है। बरसात पड़ जाए तो आलू चलता ही चलता है, काफ़ी लोग आलू के पराठे खाने लग जाते हैं बरसात में, कोई ये कहता है कि आज तो पकौड़ी का मन कर रहा है, लेकिन आज इतनी गर्मी है 40-45 डिग्री टेम्परेचर में किसी का मन नहीं करता, लेकिन अभी बरसात पड़ जाए तो मन करेगा। और वैसे भी तूफान का असर आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं पड़ी है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो धूप है वो एकदम गायब हो जाती है, कभी फिर धूप आ जाती है, तो बादल से छाए हुए ऐसा मौसम से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन गुजरात में या मुंबई में बारिश पड़ रही है ये काफ़ी लोगों को इस बारे में पता ही है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ठंडा माहौल होने की वजह से खपत बढ़ सकती है। और गुजरात की बात करूँ तो गुजरात तो वैसे भी काफ़ी तेज़ी से आलू निकाल रहा है अपना, गुजरात में तो अपना आलू जो है वो काफ़ी तेज़ी से उसने निकाला है, क्योंकि वहाँ पर मौसम भी अब अच्छा है। लेकिन एक चीज़ अब और निकल के आ रही है गुजरात में आलू को स्टोर करने लग गए, मतलब रोकने लग गए काफ़ी लोग, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और किसान भाइयों देखिए अब मैं कुछ आलू के भाव के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैं जयपुर मंडी की बात करूँ तो 9 से लेकर 11 रुपये किलो आलू बिका है। अब किसान भाइयों यहाँ पर अगर गुवाहाटी मंडी की बात करें, यूपी का आलू 16 से लेकर 16.5 रुपये किलो, बंगाल का आलू 12 से 12.5-13 रुपये किलो, फरुखाबाद का बिका है 15 से 15.5 रुपये किलो। और बेंगलोर मंडी की बात करूँ 700 से लेकर 800 रुपये, और चेन्नई मंडी की बात करूँ 16 से लेकर 17 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 17.5-17.5 रुपये किलो तक यहाँ बिके हैं। और किसान भाइयों साउथ में अभी थोड़ी बारिश पड़ रही है जो कि आप देख पा रही हो, क्योंकि मानसून भी है वो भी लेट होने की संभावना बताई जा रही है, मानसून लेट हो सकता है। और मुंबई मंडी की बात करें 12 से लेकर 13.5 रुपये किलो आज के आलू के भाव रहे। और पटना की बात करें बिहार की तो 500 से लेकर 600 रुपये, और अब रांची की बात करें झारखंड की 525 से लेकर 600 रुपये। अब किसान भाइयों दिल्ली मंडी की बात कर लेते हैं, दिल्ली मंडी में गाड़ी आपकी कम पहुँचे या ज़्यादा पहुँचे भाव एक है, लेकिन गाड़ी का बैलेंस कम ज़्यादा रह जाता है। दिल्ली मंडी में कल जो गाड़ी पहुँची है उसमें से 41 गाड़ी बैलेंस बचा है, आज 41 गाड़ी बैलेंस मिला के टोटल आज 98 गाड़ी हैं, 37-97 बिका है 500 से लेकर 550 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का है तो 10-20 रुपये ऊपर बिक सकता है। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें 550 से लेकर 650 रुपये, और यहाँ पे चड़ौसी के चिप्सोना की बात करें 650 से लेकर 750 रुपये, और अलीगढ़ के सूर्या की बात करें 700 से लेकर 800 रुपये, चौड़ोसी के सूर्या की बात करें 750 से लेकर 850 रुपये, बढ़िया क्वालिटी है तो 900 रुपये। तो किसान भाइयों आलू का भाव आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, यही चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो खपत है या डिमांड है वो एक ही चल रही है बराबर, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन बहुत भयंकर डिमांड आ जाए दिल्ली में, जिस दिन डिमांड आएगी उस दिन 100 गाड़ी भी बिक जाएंगी दिल्ली में, ऐसा भी होने वाला है, ठीक है। T7 आलू की बात करें दिल्ली में 600 से लेकर 680 रुपये, LR की बात करें 650 से लेकर 700 रुपये, हाईब्रिड की बात करें हाईब्रिड बिका है 400 से लेकर 450 रुपये, 500 रुपये तक, बढ़िया क्वालिटी का। तो ये रहे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, और जो हमने आज इस वीडियो में बात बताई है इससे आप सहमत हो तो नीचे कमेंट में बताना, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी और जानकारी मिलने वाली है, और मैं ज़्यादातर अलग हटके ही जानकारी लेके आता हूँ जो कि आपको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, नमस्कार।